हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर एचआर में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर एचआर भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी उपन्यास की। हिंदी उपन्यास के अर्थ, परिभाषा और उपन्यास की तात्विक समीक्षा की। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उपन्यास का अर्थ, परिभाषा। अर्थ में हम देखते हैं कि जो उपन्यास है, उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उप और न्यास, जिसमें उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है रचना। अर्थात उपन्यास वह है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उक्तिउक्त के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए, अथवा एक ऐसी कृति जिसे पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि यह उसी के जीवन की कथा हो। इसके बाद बात करेंगे हम परिभाषाओं की। सबसे पहले बात करेंगे परिभाषाओं में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की, कि मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं उपन्यास के संदर्भ में। वे कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य स्वर है। इसके बाद बात करेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, उपन्यास आधुनिक युग की देन है। नए गद्य के प्रचार के साथ साथ उपन्यास प्रचार हुआ है। आधुनिक उपन्यास केवल कथा मात्र नहीं है। इसके बाद बात करेंगे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। तो आइए जानते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी जी का उपन्यास के संबंध में क्या विचार है। वे कहते हैं कि उपन्यास में आजकल गद्यात्मक कृति का अर्थ लिया जाता है, पद्यात्मक उपन्यास नहीं हुआ करते। तो दोस्तों, ये था उपन्यास का अर्थ और परिभाषाएं। इसके बाद हम बात करेंगे सीधे उपन्यास के जो तात्विक समीक्षा है, उसमें हम देखते हैं कि उपन्यास के जो महत्वपूर्ण तत्व है, कई बार ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जितने उपन्यास के तत्व हैं उतने ही कथा अथवा कहानी के भी उतने ही तत्व हैं। तो उपन्यास के जो तत्व हैं वो 6 होते हैं, उनका विस्तृत विवरण जो मैं इस तरह से दे रहा हूँ, देखें। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो कथा वस्तु है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है चरित्र चित्रण, जिसे हम पात्र चित्रण भी कहते हैं। तीसरा है संवाद, जिसे कथोपकथन या अंग्रेजी भाषा में डायलॉग भी कहते हैं। उसके बाद है देश काल वातावरण, भाषा शैली और अंत में है उद्देश्य। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित रहेगा और मुख्य उद्देश्य आज की इस वीडियो का आप लोगों को उपन्यास की तात्विक समीक्षा के बारे में ही बताना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कथा वस्तु क्या चीज़ होती है। जो उपन्यास की कथा वस्तु है या कथा की कथा वस्तु है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए या वो निर्मित कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, जो कथा वस्तु होती है, उपन्यास का संपूर्ण भवन इसी पर टिका होता है, इसी पर खड़ा होता है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कथा वस्तु होती है वो किसी भी कृति अथवा रचना का कलेवर होती है, माने दिल होती है, उसका हृदय होता है, और घटनाओं का जो जाल होता है वही कथा वस्तु में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है कि जो कथा वस्तु के निर्माण में या कथा वस्तु के विकास में ऐसे कौन से उपकरण हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हैं कथा सूत्र, मुख्य कथानक और उपकथानक। ये महत्वपूर्ण उपकरण रहते हैं जिसकी वजह से या जिसके कारण जो हमारी कथा वस्तु है वो जो है विकसित होती है। इसके अलावा पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, प्रामाणिक लेख हैं, ये भी जो है कथा वस्तु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर हम गुण की बात करते हैं, कई बार ये प्रश्न जो है विस्तृत रूप में पूछा जाता है परीक्षा में कि कथा वस्तु के महत्वपूर्ण जो गुण हैं या आवश्यक गुण हैं वे कौन कौन से हैं। तो उनका हम जिक्र कर रहे हैं, कथा में जो है क्रमबद्धता होनी चाहिए,
कथा में मौलिकता भी होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए कथा, मार्मिक अर्थात मन को छूने वाली होनी चाहिए। इसके बाद है जो कथा वस्तु है वो पाठक की जिज्ञासा बढ़ाने में सहायक होनी चाहिए। तो अंत में जो कथा वस्तु का अंतिम बिंदु है वो है कि कथा वस्तु से हमें इतिहास, पुराण और विज्ञान आदि की जानकारी मिलनी चाहिए। दोस्तों ये थी कथा वस्तु, इसको आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है चरित्र चित्रण, जिसे हम पात्र चित्रण भी कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी कहानी अथवा उपन्यास में दो तरह के पात्र रहते हैं, कुछ मुख्य पात्र जिन्हें हम प्रधान पात्र कहते हैं, कुछ हमारे गौण पात्र होते हैं जो प्रासंगिक पात्र होते हैं, जो मुख्य पात्र का साथ देते हैं कहानी को आगे बढ़ाने में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये चरित्र चित्रण होता है, ये जो करैक्टर होते हैं, ये कथा वस्तु को गतिशीलता प्रदान करते हैं, अर्थात कथा वस्तु को आगे ले जाते हैं, कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद है घटनाओं को आगे बढ़ाते हैं। जो चरित्र है जब ये आपसी संवाद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि घटनाएं निर्मित होंगी, जब घटनाएं निर्मित होंगी तो कहानी जो है अपने आप जो है आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद है चरित्र चित्रण के गुण, जो हमारे पात्र होते हैं वे कैसे होने चाहिए, वे सजीव होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, सप्राण होने चाहिए, यथार्थ होने चाहिए, मौलिक होने चाहिए, उनमें एक सूत्रता होनी चाहिए, पात्र जो है थोपे हुए नहीं होने चाहिए। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब उदाहरण के लिए अगर कोई किसी पात्र को हम कोई भी भूमिका, अभिनय की भूमिका देते हैं, मान लीजिए वो राजा का रोल निभा रहा है, अगर वह राजा की तरह चलेगा नहीं, उसकी तरह वेशभूषा धारण नहीं करेगा या राजा की तरह संवाद नहीं करेगा तो वो राजा नहीं कहलाया जाएगा, तो ऐसा लगेगा ज़बरदस्ती ये राजा बनाया गया है। तो ये है मतलब जो पात्र हैं वे स्वाभाविक होने चाहिए, मौलिक होने चाहिए, उनकी वेशभूषा मौलिक होनी चाहिए। अगर कोई पात्र ग्रामीण परिवेश का है तो उसकी भाषा वैसी होनी चाहिए, अगर कोई शहरी परिवेश का है तो उसकी भाषा, उसकी वेशभूषा उस तरह की होनी चाहिए। ये था हमारा चरित्र चित्रण या पात्र चित्रण। इसके बाद हम देखते हैं कथोपकथन, या इसे संवाद भी कहते हैं या अंग्रेजी में इसे डायलॉग भी कहते हैं। तो ये देखिए ये संवाद होते हैं, ये जो पात्र हैं आपसी बातचीत जो होती है उनकी, यही संवाद कहलाता है। और ये संवाद जो है रचना का क्लेवर होता है, महत्वपूर्ण तत्व है ये, तीसरा एवं महत्वपूर्ण तत्व है हमारा ये संवाद। और यही संवाद जो है कथा को गतिशीलता प्रदान करते हैं। जो संवाद है, ये संवाद के गुण हैं कि संवाद सरल होने चाहिए, सरस होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, पात्रानुकूल होने चाहिए, संवाद उपयुक्त होने चाहिए और उनमें संबद्धता होनी चाहिए, एक दूसरे से वो संवाद जुड़े हुए होने चाहिए, संबद्धता, रोचक होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, मार्मिक होने चाहिए, मन को छूने वाले होने चाहिए। पात्रों के चरित्र निर्माण में भी ये संवाद जो है सहायक होने चाहिए। और अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि संवाद जो है परिस्थिति के अनुसार बदलने चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा कथोपकथन और संवाद। इसके बाद है देशकाल वातावरण। अब ये देशकाल वातावरण बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे समझने में अधिकतर विद्यार्थियों को परेशानी आती है कि ये देशकाल वातावरण है क्या चीज़। तो आइए इसे आसानी से समझते हैं। देखिए देशकाल वातावरण वह चीज़ है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो किसी रचना का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, अब मान लीजिए हम मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान, जो उनका उपन्यास है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि रचना किस समय की है, आज़ादी से पूर्व की है या आज़ादी के बाद की है, उस रचना में किस चीज़ का वर्णन है, वो प्राचीन है, उसमें ऐतिहासिकता है या पौराणिकता है या फिर उसमें काल्पनिकता है, मतलब उस समय जिस समय वो रचना लिखी गई है उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, राजनीतिक कैसी थी, आर्थिक कैसी थी, साहित्यिक कैसी थी, ये सब हम देशकाल वातावरण में डिस्कस करते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो देशकाल वातावरण में, वातावरण की, उस समय जो वातावरण कैसा था, भाषा कौन सी
लोग इस्तेमाल करते थे, आम बोलचाल की भाषा कौन सी थी, साहित्यिक भाषा कौन सी थी, लोगों की वेशभूषा कैसी थी, रहन सहन, खान पान, कुरीतियाँ, मान्यताएँ, अंधविश्वास, परंपराएँ, रूढ़ियाँ, इन सब बातों का अध्ययन हम देशकाल वातावरण में करते हैं। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहता है जब हम कहानी की तात्विक समीक्षा करते हैं अथवा उपन्यास की तात्विक समीक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये था देशकाल वातावरण। इसके बाद आता है भाषा शैली। देखिए, भाषा जो है अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही जो लेखक है अपनी रचना को विकसित करता है, प्रभावशाली बनाता है और आकर्षक बनाता है। भाषा पात्रों के चरित्र को जीवंतता भी प्रदान करती है। और जो भाषा शैली है, भाषा शैली के जो गुण हैं वे कैसी होनी चाहिए? भाषा शैली हमेशा सरल होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, पात्रानुकूल होनी चाहिए भाषा, रोचक होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, मार्मिक होनी चाहिए, अलंकृत होनी चाहिए। और जो शैली की अगर हम बात करें तो शैली जो है उपन्यास की, खासतौर पर विशेषकर अगर हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास की जो शैली है वो संकेतात्मक ना होकर विवृतात्मक होनी चाहिए। वैसे अगर शैलियों की बात करें, हम शैली अनेक प्रकार की रहती है। मुंशी प्रेमचंद की शैली की बात करें तो उनका जो लेखन था, जो उनकी शैली थी लेखन की, वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था। कुछ यथार्थवाद होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक होते हैं, आत्मकथात्मक शैली में भी लिखे जाते हैं, भावात्मक, प्रतीकात्मक, इस तरह अनेकों शैलियाँ हैं जिसमें लेखक जो है अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। और भाषा शैली में विशेषकर जो है, जो लेखक है, मुहावरे लोकोक्तियों का उसमें प्रयोग होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि लेखक कितना सजग है, उसका जो दृष्टिकोण है उसका वो कितना विस्तृत है। उसके बाद जो अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वह है उद्देश्य, जिसे हम प्रतिपाद्य भी कहते हैं। तो किसी भी रचना को अगर कोई लेखक लिखता है, उसके मन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है, किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर लेखक रचना का निर्माण करता है। तो जो महत्वपूर्ण तत्व रहता है उद्देश्य का, संगठन तत्व, अर्थात उसमें सभी तत्वों का संगठन होना चाहिए, बिखरे हुए नहीं लगने चाहिए। कोई भी जो हम तत्वों की बात कर रहे हैं, ये छह तत्वों की बात कर रहे हैं, इन तत्वों का आपसी संगठन तालमेल अच्छा होना चाहिए। लेखक समाज को उचित दिशा प्रदान करे, अपने उस कृति के माध्यम से, अपनी उस रचना के माध्यम से वो निश्चित करे कि लेखक जो है समाज को या आम जनता को या मानव को किस प्रकार का जीवन दर्शन, किस प्रकार की प्रेरणा और दृष्टिकोण प्रदान कर रहा है, ये उसका उद्देश्य रहता है लेखक का। किसी भी रचना को लिखने जब वो लिखता है तो उसके मन में कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर रहता है। उपन्यास का उद्देश्य उपदेशात्मक नहीं होना चाहिए, ये विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा। जब हम उपन्यास की बात करते हैं खासकर, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो उपन्यास है उसका उद्देश्य उपदेशात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पाठक है वो अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर जो है निष्कर्ष निकाले। उद्देश्य में एक बिंदु और हम महत्वपूर्ण बिंदु है कि उपन्यास अथवा कहानी अथवा कोई भी विधा हो, साहित्य की कोई भी विधा हो सकती है, नाटक हो सकता है, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, कोई भी हो सकता है, तो उसका उद्देश्य सिर्फ पाठक का मनोरंजन करना नहीं है। कोई भी रचना मनोरंजन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई जो संदेश है अवश्य रहना चाहिए। अंतिम बिंदु है उद्देश्य का। किसी भी रचना को पढ़कर जो मनुष्य है उसमें संस्कार और आदर्श की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। संस्कार और आदर्श चरित्र की प्रतिष्ठा अगर किसी पाठक में होती है तो निश्चय ही वो कृति, वो रचना जो है एक महत्वपूर्ण या उच्च स्तर की मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये था उपन्यास की तात्विक समीक्षा। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें
नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद।